आप देख रहे हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों हम बता दें एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गृह जनपद में हैं और यहां से रवि किशन शुक्ल जी एक बार फिर से सांसद के रूप में गोरखपुर में आ चुके हैं। लगभग 1,00,000+ वोट से वो विजयी हुए हैं। यहाँ पे जो लोग उनके समर्थन में आए हुए हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वे क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको रवि किशन जी फिर से विजय हुए हैं? हम लोग बहुत खुश हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं अपने बांसगांव लोकसभा के सम्मानित जनता को और अपने गोरखपुर लोकसभा के सम्मानित जनता को जिन्होंने फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पर विश्वास जताया है। पूज्य महाराज जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को, उनके विकास कार्यों पर अपना विश्वास फिर जताया, आशीर्वाद दिया है, इसके लिए मैं जनता का धन्यवाद कह रहा हूँ। कैसा लग रहा है भैया एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी गृह जनपद से एक बार फिर से सरकार? हम लोगों को अपार खुशी हो रही है। अब इसका जो है हम वाक्य व्याख्या नहीं कर सकते हैं। इस जीत से हम लोग जीत से खुश हैं। भैया कैसा आपको लग रहा है? बहुत बढ़िया है, इसकी खुशी की बढ़िया की जा सकती है। हम यहाँ महाराजगंज, गोरखपुर, बांसगांव, कुशीनगर, देवरिया, हम सारी सीटें इधर जीते हैं। मैं महाराजगंज इधर का सारा सीट जीते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जीत की जो मार्जिन है वो कम नज़र आ रही है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। अगर अगले लोकसभा की बात की जाए तो इस बार कम मार्जिन रहा है, क्या उसको लेकर कहेंगे आप? देखिए अलग अलग चुनाव के अलग अलग रणनीति होती है और ये चुनाव की अपेक्षा इस बार कम मत मिला है। इसका मतलब ये नहीं है कि चुनाव कुछ दल ऐसे हैं इसमें जो उनका वोट प्रतिशत कुछ दूसरे तरफ चला गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मूल वोटर है और उनके चाहने वाले जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट किए। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। भैया क्या कहना चाहेंगे? पूछिए। प्रश्न यही है कि एक बार फिर से रवि किशन जीत करके गोरखपुर सीट पे फिर से आ रहे हैं, क्या कहेंगे? आप सभी लोगों का स्मरण होना चाहिए, गोरखपुर की सीट गोरक्षनाथ की सीट कही जाती है। बाबा गोरक्षनाथ जी का आशीर्वाद सदैव से हम सभी के साथ रहा है और रवि किशन जी हमारे प्रत्याशी हैं। इसके पूर्व भी जो हमारे पूज्य महाराज जी, बड़े महाराज जी प्रत्याशी हुआ करते थे। इस गोरखपुर के पांचों विधानसभाओं के गांव-गांव, महिलाएं, बड़े बुजुर्ग, नौजवान, किसान, मजदूर, युवा, सभी के मन में गोरखपुर के प्रति अपार श्रद्धा है और उनके साथ साथ पूज्य महाराज जी जब सांसद हुआ करते थे, आप सभी लोगों ने देखा होगा, सांसद के रूप में प्रतिदिन सैकड़ों लोगों से सुबह से शाम तक मिलना, उनकी समस्याओं के संदर्भ में विभिन्न विभागों में बात करना, पत्र लिखना, अधिकारी स्वयं वार्ता करना, एक सांसद के रूप में जितना मुखर होकर जितनी सक्रियता से पूज्य महाराज जी यहाँ कार्य किया करते थे, उसी क्रम में रवि किशन जी जब पिछली बार चुनाव लड़ने आए और इस बार पिछले 5 वर्षों में उन्होंने भी जनता से कनेक्ट होकर जो उनके अंदर विश्वास जताया है उसका एक परिणाम है। तथा उसके साथ साथ आप सभी लोगों ने महसूस किया होगा पिछले 5 वर्षों में, नहीं 10 वर्षों में, देश विदेश में भारत वर्ष का नाम, भारतवासियों का नाम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अपनी प्रतिभा, उनके यशस्वी कार्यकाल के बल पर जिस तरह से नाम रोशन हुआ है, सबका लाभ भी प्रत्याशियों को निश्चित रूप से मिलता है। उसी सरकार के अंग, उसी सरकार के प्रत्याशी हैं। तो रवि किशन जी के साथ भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अपना भाव है, अपना जो आकर्षण है और पूज्य महाराज जी का जो नेतृत्व है, संरक्षण है, दोनों का मिला करके रवि किशन जी की एक अच्छी जीत हुई है। जनता जनार्दन, सभी गाँववासी, नौजवानों, युवाओं, किसानों, महिलाओं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख पा रहे हैं, मैं बताना चाहूंगा कि एक बार फिर से गोरखपुर में ऐतिहासिक जीत देखने को मिली है। 1,00,000+ वोटों से जो है रवि किशन शुक्ल जी एक बार फिर से विजयी हुए हैं और ये कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी की माहौल है। और मैं बताना चाहूंगा कि यहीं से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी भी सांसद रहे हैं और दूसरी बार जो है रवि किशन जी भी यहां से सांसद बन चुके हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जो है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। बाकी हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए एबीसी हिंदुस्तान।